चाइना का माल, कोरोना का कमाल, ना जाने कब खत्म होगा दुनिया से ये बवाल। बवाल खत्म होने से पहले खत्म हो रहे लोग, ना जाने चाइना वालों ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया जो पूरी दुनिया में फैला दिया ये रोग। इस रोग को फैलाना है इंसानों के हाथों में। लोग कर रहे बातें लेकिन सरकार है गुप्तगु अपनी बातों में। मोदी जी ने ऐलान कर दिया, जनता कर्फ्यू लगा दिया आधी रातों में, फिर भी लोग नहीं सुन रहे, निकल रहे रास्ते पे, कोरोना रोग को और बढ़ाएंगे, खाएंगे नाश्ते में। अरे ना मिल रहा समोसा इनको, ना मिल रहे कचोरी रास्ते पे। शहर के हर चौक के गली में जाओ, दो प्लेट डंडे दे रहे पुलिस वाले नाश्ते में। अभी तो फिलहाल घर के बाहर रास्ते पे निकल कर गालियां और डंडे खा रहे लोग। बस एक बार कोरोना को इनको छूने तो दो, फिर देखना AK-47 की गोलियां भी खाएंगे ये लोग। लोगों को समझाना मुश्किल है, 21 दिन का लॉकडाउन कुछ दिनों में 3 महीने का होने वाला है। जो नहीं सुनेगा सरकार की बात, उसे खत्म होना है कोरोना वायरस के साथ। सरकार बोलती घर में रहो, कोरोना वायरस के साथ दो दो हाथ करो। अरे हम बड़े तो बिना काम करे बिना खाए करेंगे कोरोना के साथ दो दो हाथ? क्या गरीबों के बच्चे बिना खाना खाए देंगे खुद की पेट का साथ? सुना है भारत में 2000 से ज्यादा मामले आ गए सामने और 41 खत्म। ना जाने कब खत्म होगा इस कोरोना का आतंक। आतंक तो बहुत करके रखा, लोगों का खाना पीना मुश्किल कर दिया इस कोरोना ने। बस भगवान से एक ही प्रार्थना करते होंगे लोग, कब खाने को मिलता हमको चिकन लेग पीस। एटीट्यूड लोगों का कोरोना के बदतर। इंसान का एटीट्यूड से कोई फायदा नहीं होने वाला, जितनी उसकी जिंदगी है वो उतनी ही जीने वाला, बाकी बची हुई जिंदगी कोरोना के नाम करने वाला। कोरोना वायरस एक सड़ी हुई बीमारी का नाम है। अरे भाई इतना ना डरो इनसे, सिर्फ 21 दिन का लॉकडाउन है जो खुद के घर में बिताना है। दिल्ली के मजदूर सड़कों पे आ रहे, काम धंधे नहीं है इसलिए खुद के घर को जा रहे। सुनने में आ रहा गरीबों को नहीं है अब कोई टेंशन, मोदी जी हर एक के खाते में हर महीने डालेंगे पेंशन। अगर ऐसा हो गया तो एक बार का टेंशन ही खत्म, मोदी जी का हर घर में फोटो लगेगा, हर घर में मोदी जी करेंगे आतंक। लोगों को समझ में नहीं आता 1 घंटे के बाद हाथ धोना 20 सेकंड के लिए, कोरोना को भगाना हमेशा के लिए। एक बार बीमारी गई उसके बाद हाथ नहीं धोए 4 साल तक तो भी चलेगा? मेरे हाथ धोकर मुंह को मास्क लगाए, खुद की सेफ्टी करके कोरोना जैसी अनेक बीमारी को दूर भगाए। मोदी जी ने लगाया लॉकडाउन, लोग नहीं कर रहे उसका पालन। जब सरकार हमसे हाथ जोड़कर कुछ मांग रही है तो समझ लेना कि देश पर बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है। कुछ लोग लॉकडाउन तोड़कर निकल रहे हैं सड़कों पे, आर्मी बैठी है बॉर्डर पे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि आज भी हमारे दुश्मन है हमारे देश में। अरे नूर गई खुशी गई, हो गया देश नाराज हमारा। आज मोदी जी को पता चला अपने कमीने होते हैं जो दावा करते हैं साथ रहने का हमारा। लोगों की ख्वाहिश थी पहले जो छोड़ दिए उन्होंने, बड़े बड़े सपने थे उनके जो तोड़ दिए उन्होंने। कोरोना का कहर इतना आ गया कि लोग खो गए अपने ही अपनों में। हाँ वो तो है, लेकिन जिनके थे पहले बाहर लड़कियों के साथ अफेयर, अब कोरोना की वजह से उनको करना पड़ रहा अपने बीवियों के साथ कॉम्प्रोमाइज शाम और दोपहर। अब मानेंगे हर पति अपने पत्नियों की बात, क्योंकि उनको घर जो रहना है अपने पत्नियों के साथ। तुम्हारा बाबू पिल्लू सोना, आ गया कोरोना, अब बीवी के साथ घर पे बैठ के रोना। इसलिए तो पहले जब तक नहीं जाता कोरोना तब तक बीवी के गुलाम बन के रहो ना। अपने अपने मुँह को लगाओ तब तक मास्क, जब तक नहीं जाता इस दुनिया से कोरोना का एक हो। अबे धरती के बोझ, बिना सैनिटाइजर से हाथ धोए हाथ मिला रहा किससे तू रो? बिना हाथ धोए मिलाना तुम जैसों का काम है, कोरोना जैसे रोग को देश में लाने में तुम जैसों का सबसे बड़ा नाम है। अबे कमीनों की फौज, झल्ला धोया गोश, अबे समझ में नहीं आता क्या एक जगह 10-10, 20-20 बैठ रहे सालो, लगाओ ना इस पे अभी भी रोग।